हाय दोस्तों, सचिन और सीमा की कहानी तो इतनी फेमस हो चुकी है कि उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारत में इसके चर्चे हैं। पाकिस्तान की लड़की से मुलाकात, डर नहीं था आपके अंदर? जैसे मोहल्ले में कई लोगों से हमने पूछा आपका घर, तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि एजेंट तो नहीं है कहीं ये? नहीं सर, वो पहले मैं ऐसा ही सोचता था कि वहाँ की लड़कियाँ सब ऐसी होती हैं, यानी कि जब लगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारी बात होते 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 के प्यार ऐसा हो गया कि मैं तेरे बिगड़ नहीं रह पाऊंगी, तू मेरे बिगड़। अच्छा, इनको लोग कहते थे अरे पाकिस्तान लड़कियां फ्रॉड होती हैं, एजेंट कुछ होगी भी। कहीं हाँ, ऐसे इनको लोग कहते थे। हालांकि ये मुझे मतलब थोड़े पैसे कम हो गए मेरे पास, तो ये मुझे भेजने के लिए इन्होंने कोशिश करी, किसी से मांगे तो कहा यार छोड़ दे, आना होगा तो आ जाएगा, तू भी पाकिस्तान लड़की को भेज रहा है। इस तरह इनको कहा गया कि फ्रॉड होगी, तेरे से पैसे लेके आएगी भी नहीं। लेकिन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान बनाने वालों ने ज़मीन तो बांट दी, लोगों को तो बांट दिया, लेकिन लोगों के दिल में बसी मोहब्बत को नहीं बांट पाए। और इसीलिए सीमा हैदर सरहद पार अपना धर्म, अपने पति गुलाम हैदर को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर भाग आई। 2-3 दिन हो गए, आपको क्या कहेंगे इस जिस मोहब्बत की तलाश में यहाँ आई थी, वो मिल पा रही है? मिल गई है सर, उससे ज्यादा मिल रही है, जो मैंने इनकी मोहब्बत सोची थी। सीमा हैदर का कहना है उनको यहाँ बहुत मोहब्बत अभी तो मिल रही है मैडम, आगे क्या होगा, जैसा आपको वो खराब लगने लगा वैसे ही ये भी कुछ दिन में खराब लगने लगेगा। सचिन भाई, आप ख्याल रखना, आप अब पबजी मत खेलने देना, वरना इस बार पता नहीं कौन सी सरहद पार भाग जाएंगे, और हो सकता है इस बार 7-8 बच्चे लेकर भागना पड़े इनको। अरे मतलब भाई, अब आप लाए हैं तो आप भी 2-4 करेंगे ही। नहीं जाने दूंगा सर। ये गीदड़ों का काम है मुंह ढक के बोलना, तो उनको मैं यही कहूंगी करते रहो भैया जो करना है, सीमा मरेगी भी हिंदुस्तान में और सीमा जिएगी भी हिंदुस्तान में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो इनके प्यार, इनके परिवार के प्यार के लिए आई थी, मुझे तो सबका प्यार मिल रहा है, सब समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये बताओ सीमा, इतना टैलेंट कहाँ से, 5 ही पास हो, 5 ही बार इंग्लिश भी खूब बोल लेती हो, मीडिया को भी हैंडल कर रही हो, इधर की पुलिस भी हैंडल कर ली, 2 देशों की सरहद में हैंडल करी, कैसे? लेकिन सच बोल रही थी सर, और पता नहीं कि मैं खुद को बचपन से लेके मतलब मैं खुद को कमजोर नहीं समझती। वाह दीदी, वाह दीदी।